हेलो एवरीवन, आज हम क्लास टेंथ साइंस के लेसन नंबर 10 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट होती क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which does not visible to us but helps to make visible the other things। यानी लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये गिरती है तो उसे विजिबल कर देती है। लाइट के दो फिनोमिनन है। पहला जो है हमारे पास वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? वह लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, हम कोई मिरर भी बोल सकते हैं या हम कोई शाइनिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। यानी जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर या किसी मिरर के ऊपर गिरती है तो वो टकराने के बाद वापिस उसी मीडियम के अंदर लौट जाती है। जैसे कि ये हमने मान लिया कि कोई मिरर है या कोई शाइनिंग सरफेस है, इसका ये पोर्शन हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और इस पॉइंट पे टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम के अंदर। जिस पॉइंट के ऊपर टकराई है ये यहाँ पर, और इसके ऊपर हमारे पास ये नॉर्मल होता है। ये जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो रे आ रही है यानी इन, तो उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रही है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं एंगल आई, दैट इज कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल आर, वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।